नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। झारखंड के लातेहार जिले में संत जेवियर्स महाविद्यालय महुआ डांड की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दो दिवसीय जुबिली समारोह का आयोजन किया गया। उपायुक्त अबु इमरान ने महाविद्यालय के प्रगति की प्रशंसा करते हुए ईसाई समाज के द्वारा किए गए सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक कार्यों की भी सराहना की। इस मौके पर उन्होंने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सिविल सेवा के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने अपने संबोधन में जेसुइट सोसाइटी को महुआ डांड जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए धन्यवाद दिया। संत जेवियर्स महाविद्यालय जुबली समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि मणिका विधायक रामचंद्र सिंह लातेहार, उपायुक्त अबु इमरान, जेसुइट सोसाइटी हजारीबाग प्रोविंस के प्रमुख फादर संतोष मिंज और प्राचार्य डॉक्टर एम के जोश, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय बाड़ा ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों के द्वारा महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका और वाइस प्रिंसिपल द्वारा लिखित पुस्तक छोटा नागपुर की भूमि व्यवस्था का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत इंग्लिश और कॉमर्स विभाग के विद्यार्थियों के द्वारा स्वागत गान गाकर किया गया। समारोह में विद्यार्थियों ने सामूहिक नृत्य और गायन के माध्यम से झारखंड की कला व संस्कृति को प्रदर्शित किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।